Inverse variation. Dear students, in previous lesson we have discussed direct variation. Direct variation mein kya tha? Ki if one quantity is increased, second is also increased. Agar ek quantity badhti hai to dusri bhi badh jati hai. And if one quantity is decreased, second is also decreased. So isme hamare paas direction of change same thi. अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है और एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है. नो इन्वर्स वेरिएशन इज ऑपोजिट. इन्वर्स वेरिएशन में क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है यानी कि वो डिक्रीज कर जाती है. इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी और इन दोनों सिटीज़ में जो डिस्टेंस है वो है जी 100 किलोमीटर का और इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर्स. अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करें कि सिटी ए से फिर सिटी बी में जाने के लिए कितना टाइम उसे लगा तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. 100 is distance, 25 is speed and the time is 4 hours. But another person moves from the same city and to the city B. Distance to same 100 km per hour, but this time his speed is different, increased. His speed is 50 km per hour. So agar hum iska time calculate karein तो स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. एंड नो दिस टाइम द टाइम इज 2 आवर्स. अगर हम इस चीज़ को नोट करें स्पीड और टाइम को तो हम देखेंगे व्हेन द स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर तब उसे जो टाइम लगा वो था 4 आवर्स और जब हमने स्पीड बढ़ा दी 50 किलोमीटर पर आवर तो उसका टाइम भी कम हो गया. सो इट्स एन ऑपोजिट डायरेक्शन कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है. सो इनवर्स वेरिएशन, वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड, सेकंड क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड. इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं. ऐसे कि हमने प्रीवियस लेसन में डायरेक्ट वेरिएशन में देखा था रेशियो मेथड एंड इक्वेशन मेथड. अब हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं दोनों मेथड्स को इनवर्स वेरिएशन में. रेशियो मेथड वी ऑलरेडी डिस्कस कि रेशियो मेथड में हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती. हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उस एग्जामिनर ने इक्वेशन का पूछा ही नहीं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स गिवन दैट वाई इज इक्वल टू -50 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3. फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -10. तो यहाँ पे उसने हमें कोई इक्वेशन नहीं पूछी कि मेक इक्वेशंस, मेक एन एक्सप्रेशन. बट इन दिस क्वेश्चन इफ वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स पार्ट ए फाइंड एन इक्वेशन. तो यहाँ पे हम फिर इक्वेशन मेथड को या के मेथड को यूज़ करेंगे. तो दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं. नो सबसे पहले रेशियो मेथड में क्या था कि रेशियो मेथड में हम लोग हेडिंग्स लिख लेते हैं वेरिएबल्स के. गिवन दैट वाई इज -50 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3. फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -10. बट दिस टाइम बी केयरफुल व्हेन देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन या इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से. डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे. ये डिफरेंस आपने याद रखना है. सो वाई मल्टीप्लाइड बाय
negative 10 is equal to negative 50 multiplied by 3. So y is equal to negative 50 times 3 divided by negative 10, 5. So negative negative se cancel. So y is equal to 15. This is your answer. Let's see this question equation method mein. Dekhte hain ki ye kaise solve hota hai. Y is inversely proportional to square root of x. Now this time aapne proportionality जब लिखनी है तो 1 over x, वहाँ पे हमने इसको 1 over x नहीं लिखा था, square root of x नहीं लिखा था. सो जब आप इसमें लिखेंगे इनवर्स में, जब आप डायरेक्ट में लिखते हैं तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of x. सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू square root of x को 1 over square root of x. This is the main difference जो आपने याद रखना है इन दोनों में, कि inverse में कैसे लिखना है और direct में कैसे लिखना है हम लोगों ने. Now we have to remove this sign of proportionality. तो हम k constant introduce करवाएंगे. So y is equal to k over under root x. अब आपके पास y की value भी है, x की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्सप्रेशन में और k कैलकुलेट कर लेते हैं. सो y इज इक्वल टू 6 k, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्क्वायर रूट, सो 4, सो k ओवर 2. बाज़ बच्चे एरर कर जाते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लेते और 4 ही लिख देते हैं. इसको, इस एरर को आपने ध्यान में रखना है. नाउ सो k is equal to 6 times 2 and it is equal to 12. So, आपके A part का जो answer है, वो y is equal to 12 divided by square root of x. This is your answer of part A. Now, part B. Part B में क्या है आपके पास? Part B में आपने y calculate करना है और 16, x की वैल्यू 16 गिवन है. वी विल यूज द प्रीवियस इक्वेशंस. सो y आप कैलकुलेट करने लगे हैं 12 और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज 16. सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 4 3 टाइम्स इज 3 एंड y इज इक्वल टू 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप कि आपको दोनों मेथड में फ़र्क नज़र आ गया होगा, कि बस ध्यान ये रखना है, यू हैव टू बी केयरफुल कि जब इनवर्स प्रोपोर्शन है आपने रेशियो में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपने इक्वेशन मेथड में आपने जो वेरिएशन है वो डिनोमिनेटर में लिखनी है, कि 1 ओवर अंडर रूट एक्स, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, 1 ओवर एक्स, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उस हिसाब से आपने इसको डिनोमिनेटर्स में लिखना है. एंड वाई इज इक्वल टू के ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स. आपने डिनोमिनेटर्स ध्यान में रखने हैं. लेट्स डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन, सो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस 2. पार्ट ए, write an expression for y in terms of x and constant k. K की जगह पे कुछ और अल्फाबेट भी, वो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. सो हम लिखेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 2. सो y इज इक्वल टू k ओवर x प्लस 2. तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. उसने कहा है कि आपने y को इन टर्म्स ऑफ x एंड k लिखना है. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. नाउ पार्ट b, इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3. तो हम ये वैल्यूज इसके अंदर प्लग इन करते हैं और k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 4, x 3 प्लस 2. सो k 4 टाइम 3 प्लस 2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल, सो k इज इक्वल टू 20. सो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बन चुका है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k,
20 over x plus 2। अब कहते हैं जी y कैलकुलेट करो जबकि x की वैल्यू 8 है, तो हम x की वैल्यू लगा लेते हैं जी। सो 20 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2, y इज इक्वल टू 20 over 10 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट बी। लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चन। नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ख़ास तौर पे इसका पार्ट बी आपको काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा रेशियो मेथड को बास का किस तरीके से एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस इन द पार्ट ए। y is inversely proportional to square of x. Be careful. Square of x. When x is equal to 2, y is equal to 9, find the value of y when x is equal to 3. It's an equation nahin puchi. So we should not use equation method because time wastage hoga. K calculate karenge, phir jaake hum baki steps karenge. Hum direct ratio method use karte hain. Sabse pehla steps, headings likhein. और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्क्वेयर है। सो y एंड x स्क्वेयर, नो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x इज इक्वल टू 2, दोबारा मैं आपको प्रिकॉशंस कर रहा हूँ दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपने स्क्वेयर लगाना है। बच्चे भूल जाते हैं स्क्वेयर लगाना और अपने पूरे मार्क्स अपने वो कटवा देते हैं। सो 2 स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 9, y हमने कैलकुलेट करना है और 3 स्क्वेयर, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे जी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि इन्वर्स के क्वेश्चन को जब रेशियो से करते हैं तो उन्हें हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो y टाइम्स 3 स्क्वेयर इज 9, 9 टाइम्स 2 स्क्वेयर इज 4। सो y इज इक्वल टू 9 टाइम्स 4 ओवर 9, इट इज कैंसल्ड and your final answer is 4. Let's discuss part B. ये जहन में रखिएगा कि आपके पास y varies inversely as square of x, ये दोनों part A और part B से पहले ये statement दी गई है। जब statement पहले दी जाती है तो वो statement दोनों parts के लिए फिर इस्तेमाल होती है। सो पार्ट बी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन, वाई इज इक्वल टू पी, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ पी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2n। अगर हम इस एक्सप्रेशन बनाने के लिए के मेथड यूज़ करते हैं तो इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा वो ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड को यूज़ करते हैं। सो y का हेडिंग लिखें और x स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है, नो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। अब क्या कहता है कि y की वैल्यू p होगी व्हेन x इज इक्वल टू n, तो n स्क्वेयर क्योंकि x स्क्वेयर है। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर y, y के लिए एक्सप्रेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ p व्हेन x इज इक्वल टू 2n, x की वैल्यू 2n और यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। अब याद रखें इन्वर्स है तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, तो y टाइम्स स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ n इज n स्क्वायर इज इक्वल टू p टाइम्स स्क्वायर ऑफ n इज n स्क्वायर। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4n square, it is cancelled, so it is p over 4. So y is equal to p over 4. This is your answer. Let's discuss a higher order question, जो इससे थोड़ा सा मज़ीद complex हो, उसे हम लोग discuss कर लेते हैं. P is inversely proportional to q. It is known that p is equal to 15 for particular value of q. अब यहाँ पे देख रहे q की उसने वैल्यू नहीं दी, p की वैल्यू दी हुई है। Write down the value of p when the value of q is doubled.
अगेन उसने आपको वैल्यूज़ नहीं दी। तो हम लोग एक सिंपल सा रेशो मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रेट सा मेथड है वो, हेडिंग्स लिखते हैं पी एंड क्यू, हमने इनके हेडिंग्स लिख लिए। अब इन हेडिंग्स के नीचे इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। इट इज़ नोन दैट पी इज़ इक्वल टू 15 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्यू, हमने क्यू लिख लिया। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पी, पी कैलकुलेट करें। व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ डबल्ड टू टाइम, सिंस इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल, सो हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे रेशो मेथड। जब आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टाइम्स टू क्यू इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो पी को 2q से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को q से। लेट्स सिंप्लीफाई इट, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू इज कैंसल्ड, सो ये आपके पास 15 ओवर 2 और योर आंसर इज 7 होल नंबर 1 ओवर 2। आप इसे 7.5 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इनवर्स वेरिएशन को रेशियो मेथड और इक्वेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो कि थोड़े से हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके से हम इनवर्स वेरिएशन में अटेम्प्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन।